हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल हिंदी वर्डप्रेस। दोस्तों, अगर आप एक ब्लॉगर हैं और आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पर है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि वर्डप्रेस में आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं सभी के सॉल्यूशन हम अपने वीडियोस में लाते हैं। फिलहाल दोस्तों बात करने वाले हैं, व्हाट आर स्टिकी एड्स। दोस्तों, स्टिकी एड्स के बारे में आपने जरूर सुना होगा, क्योंकि अगर हमारी वेबसाइट है तो हम चाहते हैं अपनी वेबसाइट पर स्टिकी एड्स इंप्लीमेंट करना, क्योंकि उससे एड रेवेन्यू ज्यादा मिलता है और क्लिक होने के चांस भी ज्यादा रहते हैं। अगर हम किसी अपने प्रोडक्ट का एड कराना चाहते हैं तो भी हम पसंद करते हैं कि स्टिकी एड्स हमको मिले, जिससे कि हमारे एड पर क्लिक होने के चांस ज्यादा रहें। दोनों ही सिचुएशन में स्टिकी एड्स कैसे लगाया जाता है, इसका एक अलग से सेपरेट वीडियो आएगा। फिलहाल इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि स्टिकी एड क्या होता है, कैसे ये दूसरे नॉर्मल एड से डिफरेंट होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों स्टिकी एड्स के बारे में आपको बता दें कि पूरी स्क्रीन पर कहीं ना कहीं साइड में एक एड आता है, जो कि पूरी स्क्रीन को स्क्रॉल करने के बाद भी उस पर कोई असर नहीं होता, वो एक फिक्स एड होता है, उसको स्टिकी एड्स बोलते हैं। दोस्तों यहां पर कुछ फोटोज हैं जिसके माध्यम से हम आपको स्टिकी एड्स के बारे में समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर आप डेस्कटॉप यूज करते हैं तो डेस्कटॉप पर देखिए इस तरह से जो स्क्रीन होती है, जो भी आपका कंटेंट होता है उससे इस एड को कोई मतलब नहीं होता, इसके बीच में ये एड नहीं आता, और जो नॉर्मल एड्स होते हैं वो इस कंटेंट के बीच में कहीं ना कहीं शिफ्ट कर दिए जाते हैं, तो उनको हम नॉर्मल एड बोलते हैं। लेकिन पूरी स्क्रीन के बाद यहाँ कॉर्नर पर आएगा या फिर इस तरह से नीचे नीचे पूरे फुटर को कवर कर लेगा, इस तरह से एड आएगा, तो स्टिकी एड इस तरह के होते हैं। अगर ये स्क्रीन पे यहाँ देखिए कॉर्नर पर एड आया हुआ है, अगर हम स्क्रीन को स्क्रॉल करते हैं तो ये एड ऐसे ही रहेगा, ये फिक्स होता है, इसलिए इसके क्लिक होने के चांस ज्यादा रहते हैं। और नॉर्मल एड से ये इसलिए डिफरेंट होता है क्योंकि अगर मान लीजिए कंटेंट के बीच में अगर ये ऐड होता तो स्क्रॉल करने पर या तो नीचे चला जाता या फिर ऊपर चला जाता, लेकिन ये ऐड हमेशा स्क्रीन पर ही रहता है जब तक कि आप इसको क्रॉस नहीं करोगे। अगर हम मोबाइल की बात करते हैं तो मोबाइल पर देखिए किस तरह से होता है। देखिए मोबाइल पर ये ऐड इस तरह से आता है, अगर हम स्क्रीन को स्क्रॉल करते हैं लेकिन ये ऐड यहीं पर रहता है, इसको स्टिकी ऐड बोलते हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं और गूगल से पूछते हैं गूगल का स्टिकी एड्स के बारे में क्या कहना है। देखिए यहां पर google.support.com पर आपको इसकी जानकारी मिलेगी। टू इंप्रूव व्यूएबिलिटी एंड एड परफॉर्मेंस, सम पब्लिशर्स मे चूज टू इंप्लीमेंट देयर एड यूनिट एज स्टिकी एड्स। तो यहां पर देखिए जो व्यूएबिलिटी है और परफॉर्मेंस है एड की, उसको इंप्रूव करने के लिए कुछ लोग स्टिकी एड्स यूज करते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब स्टिकी एड क्या होता है ये देखिए, ए स्टिकी एड इज अ परसिस्टेंट फिक्स्ड एड यूनिट दैट स्टेज विजिबल वाइल द यूजर स्क्रॉल कंटेंट ऑन द पेज अप एंड डाउन। यानी स्टिकी एड फिक्स एड यूनिट है जो कि आपके यूजर को स्क्रॉल करने पर भी सेम जगह दिखाई देता है, ऊपर नीचे नहीं होता। इसके अलावा यहां पर गूगल एड्स में जाकर स्टिकी एड से कैसे आपको अपने प्रोडक्ट का एड करना है वो भी यहां पर बताया है। देखिए एड मैनेजर में जाएंगे, इन्वेंटरी में जाएंगे, इन्वेंटरी रूल्स पब्लिशर, तो यहां पर ये एड शो करने के लिए पहले आपको इसका डिक्लेरेशन एक्सेप्ट करना होता है। काफी सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर करेंगे, डिटेल में बताएंगे कि कैसे आपको इसको इंप्लीमेंट करना है, कैसे इसको पुट करना है। इसमें इतने सारे डिक्लेरेशन इसलिए होते हैं क्योंकि 2022 से पहले गूगल एडसेंस ने इसको बैन किया हुआ था, कोई भी स्टिकी एड्स यूज नहीं कर सकता था। तो ये आर्टिकल गूगल की तरफ से यहां पर दिया हुआ है। अब हम लेकर चलते हैं एक लाइव वेबसाइट पर जहां पर हम आपको स्टिकी एड दिखाएंगे। देखिए ये एक लोन से संबंधित वेबसाइट है और ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की वेबसाइट है। यहाँ नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ पर नीचे दिखेगा, हालांकि ये एड नहीं है, ये स्टिकी एड नहीं है, लेकिन हम आपको दिखाना चाहते हैं कि स्टिकी एड बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा होता है। हम स्क्रॉल करते हैं लेकिन एड पर कोई भी असर नहीं पड़ता, ये एड अपनी जगह पर फिक्स रहता है। हालांकि ये एक वेब डिजाइनर की तरफ से लगाया हुआ एक नोटिस है जो कि यहां पर रुका हुआ है, तो स्टिकी एड भी सेम बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। तो दोस्तों स्टिकी एड के बारे में लगभग पूरी जानकारी आपको हो चुकी होगी। अब कैसे इसको इंप्लीमेंट करना है, कैसे इसको अपनी वेबसाइट में पुट करना है, इसके लिए देखिएगा हमारा नेक्स्ट वीडियो। ओके फ्रेंड्स, हमारा वीडियो सिर्फ यहीं तक, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।